नमस्कार। अगर मैं आपसे पूछूं कि किसी एक ऐसे देश का नाम बताइए जो कि इस वक्त बर्बादी की कगार पर खड़ा है, शायद आपके जहन में सबसे पहला नाम आए यूक्रेन का। लेकिन जनाब, आप भी ये बात मानेंगे कि यूक्रेन एक छोटा मुल्क होने के बावजूद भी बड़ी हिम्मत से रूस का मुकाबला कर रहा है। जाहिर है यूक्रेन वो देश नहीं है जिसकी मैं बात करना चाह रहा हूं। दरअसल वो मुल्क है हमारा पड़ोसी पाकिस्तान। दरअसल पाकिस्तान के हालात यूक्रेन से भी बदतर हो चुके हैं, बात चाहे आर्थिक हालात की हो या फिर वहां की पॉलिटिक्स की। अगर आपने हाल के दिनों में पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को फॉलो किया हो तो आप आसानी से इस बात को समझ सकते हैं। जी हां, पाकिस्तान में एक बार फिर राजनीतिक भूचाल आया हुआ है। हमेशा की तरह पिछले 75 साल में अब तक पाकिस्तान का कोई भी प्रधानमंत्री अपना टेन्योर 5 साल पूरे नहीं कर पाया है और एक बार फिर वही हो रहा है। दरअसल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के सामने 9 कॉन्फिडेंस मोशन नेशनल असेंबली में मूव कर दिया गया है। अब इमरान खान के सामने चंद घंटे बचे हैं जब उन्हें उसकी कुर्सी से हटा दिया जाएगा। ऐसा कई बार हुआ पाकिस्तान में, जैसे कि मैंने बताया कि कोई भी प्रधानमंत्री 75 साल के इतिहास में ऐसा नहीं है कि वो अपने 5 साल पूरे कर पाए। लेकिन इमरान खान के साथ ऐसा क्यों हुआ? इमरान खान के बारे में तो कहा गया कि ये वही शख्स है जिसको आर्मी ने बड़े सलीके से उसकी मदद करते हुए उसको पीएम की कुर्सी पर बैठाया। ये कहा गया कि आर्मी और सिविलियन हुकूमत, ये पहली बार था कि इमरान खान और आर्मी चीफ एक पेज पर है। तो फिर अचानक ऐसा क्या हुआ, उस पर चर्चा करते हैं। दरअसल पिछले 3.5 साल में अगर हम बात करें, जब पीएम प्रधानमंत्री इमरान खान प्रधानमंत्री बने तब यह कहा गया कि अब इतिहास पाकिस्तान में करवट ले रहा है और आगे आने वाले दिन पाकिस्तान के लिए शायद कुछ बेहतरी लेकर आएंगे। हमने शुरुआत में यह भी जुमले सुनने को मिले कि आर्मी और सिविलियन हुकूमत एक ही पेज पर है। लेकिन 3.5 साल बाद नतीजा यह है कि रत्ती भर भी बदलाव नहीं हुआ, बल्कि पाकिस्तान जिस हालत में था उससे भी नीचे रसातल में पहुंच चुका है। ऐसा क्यों हुआ? कई ऐसे रीजन हैं जिसमें अगर हम सबसे पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के उन वायदों की बात करें तो वो अपने आप में एक बड़ा रीजन है। वो रीजन क्या है? दरअसल इमरान खान ने 4 बड़े वायदे किए थे। सबसे पहला वायदा किया था करप्शन हटाने का। इमरान खान ने कहा था कि दरअसल अब तक की जो सत्ताधारी पार्टियां रही हैं, नवाज शरीफ था, जरदारी परिवार था और दूसरे जो राजनीतिक परिवार है, दरअसल लुटेरे हैं, डकैत हैं, उन्होंने मुल्क को लूटा है, उन्होंने करोड़ों अरबों डॉलर विदेशों में जमा करके रखे हैं, अगर वो प्रधानमंत्री बनेंगे तो वो डॉलर वापस लाएंगे और इस मुल्क को बेहतर बनाएंगे। लेकिन 3.5 साल बीत चुके हैं, रत्ती भर भी 1 रुपया भी पाकिस्तान वापस नहीं आया और ना ही किसी तरीके की कार्रवाई हुई। हां, केसेस दर्ज जरूर हुए लेकिन उसमें आगे जांच किसी ऐसे मरहले तक नहीं पहुंच पाई जिससे कि नवाज शरीफ परिवार या फिर जरदारी परिवार को कटघरे में खड़ा किया जाए, उनसे पैसे वापस उगाना तो दूर की भगोड़ी। दूसरा बड़ा वायदा था कर्ज का, कि पाकिस्तान के सर पर एक इतना बड़ा कर्ज है कि उस कर्ज से मुक्ति दिलाई जाएगी। और उस यही वादा इमरान खान ने किया था कि जब करप्ट लोगों का पैसा वापस लाया जाएगा तो कर्ज से मुक्ति दिलाई जाएगी। लेकिन हुआ क्या? नतीजा यह है, आंकड़े ये कहते हैं कि जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान बने थे उससे पहले पाकिस्तान के सर पर जितना कर्ज था उससे लगभग 2 गुना हो चुका है आज की तारीख में। यानी पाकिस्तान के पीएम इमरान खान बनने से पहले पीएम ने जितना कर्ज लिया था लगभग उतना ही कर्ज पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान पिछले 3.5 सालों में ले चुके हैं। आज हालत यह है कि पाकिस्तान के पास इस कर्ज का ब्याज चुकाने के लिए पैसे नहीं है, IMF पैसे देने को तैयार नहीं है, अमेरिका पैसे देने को तैयार नहीं है, चीन पैसे देने को तैयार नहीं है, एशियन बैंक पैसे देने को तैयार नहीं है, सऊदी अरब जैसी कंट्रीज पाकिस्तान के पोस्ट को किसी तरह का नया कर्ज देने को कतई तैयार नहीं है। इस मौके पर भी इमरान खान बुरी तरह फेल हुए। एक और महंगाई की जो हालत है वो तो पाकिस्तान में नया इतिहास रच रही है। खास तौर पर जो आटे दाल के भाव है वो पाकिस्तान में आसमान छू रहे हैं।
एक और बड़ा वादा इमरान खान ने किया था, वो था आजाद फॉरेन पॉलिसी का। हम जानते हैं कि पिछले 75 सालों में इमरान खान की पॉलिटिक्स में विदेशी ताकतों का बहुत जबरदस्त तरीके से हाथ रहा है, खासतौर पर अमरीका का। यही वो पॉलिसी है जिसके लिए, जो इमरान खान के लिए बड़ी घातक साबित हुई है। जी हाँ, हाल के दिनों में 27 तारीख को इमरान खान ने एक जलसा किया था, जब नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव हो चुका था, उसको बचाने के लिए इमरान खान ने एक जलसा किया, और जलसे में एक पर्चे को लहराते हुए इमरान खान ने दावा किया कि दरअसल ये पर्चा एक मुल्क ने लिखा है जिसमें सीधे सीधे ये धमकी दी गई है कि इमरान खान को सत्ता से हटाया जाए, और जो नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव हुआ है उसमें इमरान खान को हटाया जाए, और अगर वो इमरान खान हटाए नहीं जाते हैं तो पाकिस्तान के लिए आने वाले दिन मुश्किलों भरे हो सकते हैं। बाद में पता चला कि ये धमकी देने वाला देश अमेरिका ही था। अब अमेरिका, इसमें कोई शुबा नहीं है कि अमेरिका ने धमकी दी हो। दरअसल हाल के दिनों में हमने देखा कि जब अमेरिका ने घोषणा की थी अफगानिस्तान से वो अपने सैनिकों को वापस ले जाएगा, तो उस वक्त अमेरिका ने को पाकिस्तान की मदद की दरकार थी कि किसी तरीके से, सही तरीके से वो अपने सैनिकों को अफगानिस्तान से बाहर निकाल पाए। लेकिन ऐन मौके पर इमरान खान ने हेकड़ी दिखाना शुरू किया और किसी तरह कोई मदद अमेरिका की नहीं की, और अंततः अमेरिका की क्या भद्दपिटी अफगानिस्तान में वो पूरी दुनिया ने देखा। इस बात को अमेरिका भूला नहीं है। इसका नतीजा ये था, और उससे पहले भी जब पाकिस्तान मदद नहीं कर रहा था, उसका नतीजा यह था कि जो बाइडेन जब अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए तो उसने पूरी दुनिया के प्रेसिडेंट से, पीएम से बात की फोन पर, लेकिन अमेरिका को एक मिस्ड कॉल तक नहीं मारी। यहां तक कि किसी भी हायर लेवल पर कोई बातचीत पिछले कई सालों से अमेरिका और पाकिस्तान के बीच नहीं हुई। अब ऐसे में अमेरिका अगर धमकी दे भी रहा है तो उसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन अब इमरान खान इसी खत को लहरा लहरा कर, जो कि लिखा है वहां पाकिस्तान के एम्बेसडर जो अमेरिका में थे, उन्होंने एक मीटिंग में नोट्स लिखे कि वहां के जो डिप्लोमेट्स थे उन्होंने किस तरह की धमकी दी है, वो नोट्स यहां पर पहुंचा दिए गए, और उसी को लहरा लहरा कर इमरान खान शहीद होने का दर्जा हासिल करना चाहते हैं। लेकिन क्या ये जितनी भी गलतियां मैंने गिनाई, जितनी भी गड़बड़ियां मैंने गिराई कि इमरान खान ने ऐसा किया पिछले 3.5 साल में, क्या ये काफी है इमरान खान को सत्ता से बाहर करने के लिए? नहीं। सबसे बड़ी गलती इमरान खान ने की, आर्मी से पंगा ले गई। जी हां, वही आर्मी जिसके बारे में कहा गया कि दरअसल वो तो उसी आर्मी ने इमरान खान को सेलेक्ट किया है, ना कि इलेक्ट किया है, वो हमेशा एक ही पेज पर है। धीरे धीरे इमरान खान ने जनरल बाजवा को अंडरएस्टिमेट करना शुरू किया। कई ऐसे मौके आए जब उन्होंने इमरान खान ने जनरल बाजवा को यह दिखाना शुरू किया, दरअसल बॉस मैं। लेकिन जनाब, ऐसा तो पाकिस्तान में चलता नहीं है। और इसका सबसे बड़ा मौका हमें देखने को मिला पिछले साल नवंबर अक्टूबर के महीने में, जब जनरल बाजवा ने नए ISI चीफ नदीम अंजुम को नियुक्त किया और उसका नोटिफिकेशन निकाल दिया। लेकिन एंड मौके पर पीएमओ ने यह नोटिफिकेशन जारी किया कि दरअसल यह प्रेरोगेटिव प्राइम मिनिस्टर का है, जनरल बाजवा ISI चीफ को नियुक्त नहीं कर सकते, यह काम पीएमओ का है, पीएमओ का यह प्रेरोगेटिव है, लिहाजा वो इसको नहीं मानेंगे। तो हुआ यह कि अगले 1.5 महीने रशाकसी चलती रही, पाकिस्तान में पूरी गहमागहमी होती रही। लेकिन धीरे धीरे इमरान खान को समझ में आया कि दरअसल उनको जनरल बाजवा के फैसले को मानना पड़ेगा और नदीम अंजुम को ही ISI चीफ बनाया गया। हाँ, इस बार नोटिफिकेशन पीएमओ ने जारी किया। बस इस बात का जो संतोष है वो शायद इमरान खान का हुआ होगा। लेकिन यहीं पर बात बिगड़ गई। उसी के बाद स्क्रिप्ट लिखी जानी शुरू हो गई कि अब इमरान खान को हटाया जाना है। यही वो मौका था जब इमरान खान ने जनरल बाजवा को एक और एक्सटेंशन देने से मना कर दिया। जनवरी महीने में कई बयान ऐसे आए जिससे पता चला कि इमरान खान जनरल बाजवा को एक और एक्सटेंशन नहीं देना चाहते, जो कि आने वाले नवंबर महीने में पेंडिंग है। हम जानते हैं कि नवंबर 2019 में जनरल बाजवा को 3 साल का एक्सटेंशन दिया गया था रिटायरमेंट के बाद, और एक और एक्सटेंशन जनरल बाजवा चाहते थे। उनको लगता था कि उन्होंने ही तो उसको गद्दी पर बैठाया है, तो वो तो उसकी बात सुनेंगे ही। लेकिन ऐसे कई, जैसे कि मैंने कहा कि जनरल बाजवा को अंडर एस्टिमेट इमरान खान ने किया, और उसका नतीजा अब भुगतना पड़ रहा है खुद इमरान खान को। अब
जो आर्मी है वो विपक्षी पार्टियों को उन्होंने उभारना शुरू किया। पिछले कई सालों से विपक्षी पार्टियां कोशिश कर रही थी इमरान खान को सत्ता से बेदखल करने की, और अंततः उनके पास आर्मी का समर्थन भी हासिल हुआ और उन्होंने धीरे धीरे पिछले कई महीनों से बड़ी मेहनत की और धीरे धीरे जो सत्ताधारी पार्टी की सहयोगी पार्टियां हैं जिसके समर्थन से इमरान खान सरकार में थे उनको अपने पक्ष में करना शुरू किया। आज हालत ये है कि इमरान खान सरकार अल्पमत में आ चुकी है और ना सिर्फ सहयोगी पार्टी बल्कि 20 से 30 अपने MNAs यानी अपने मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली ऐसे हैं PTI के जो कि विपक्षी पार्टियों के पाले में जा बैठे हैं। 155 MNA 342 की नेशनल असेंबली है जिसमें 172 बहुमत के लिए चाहिए। पिछले साल जब बहुमत पास किया था, एक अपने से बहुमत पास किया था इमरान खान ने दिखाने के लिए कि मेरी पावर है, मैं अभी पावर में हूं, तब उसको 177 वोट मिले थे। लेकिन आज 155 सीटों वाली PTI के पास अपनी ही पार्टी के 20 से 30 सदस्य विपक्षी पार्टी में जाकर मिल चुके हैं। अगर सही मायने में देखा जाए तो अब इमरान खान के पास 140 सदस्य भी नहीं है नेशनल असेंबली में। अब होगा क्या? अब दरअसल ये होगा कि शहबाज शरीफ जो कि PMLN पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के चीफ नवाज शरीफ के भाई हैं, वहां के पंजाब प्रांत के कई बार मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, उनको प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। और अब अगले कुछ महीनों या फिर एक साल वो सरकार में रहेंगे और उसके बाद अर्ली इलेक्शन घोषणा कर दी जाएगी। लेकिन वो सरकार में क्यों रहेंगे, अभी इलेक्शन क्यों नहीं कराए जाएंगे? दरअसल बहुत सारी ऐसी गड़बड़ियां जो की हैं, बहुत सारे केसेस जो विपक्षी पार्टी के नेताओं पर लगा रखे हैं। पहले विपक्षी पार्टी सत्ता में आकर अब उस और जो सिस्टम है उसको अपने कब्जे में करना चाहते हैं, उन केसेस को हटाया जाएगा, जगह जगह पर अपने चुनिंदा लोग बैठाए जाएंगे और फिर चुनाव कराए जाएंगे। ये खेल किया जाना है और उस खेल में फिलहाल आर्मी भी शामिल है। कई बार कोशिश की, जब से नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव हुआ है तब से कई बार कोशिश की है इमरान खान ने, कई बार मीटिंग की है आर्मी चीफ बाजुआ से करने की कोशिश की है, लेकिन हर बार उसको कोल्ड शोल्डर ही जनरल बाजवा की तरफ से देखने को मिला। लेकिन जनरल बाजवा क्या सिर्फ विपक्षी पार्टियों का साथ दे रहे हैं इमरान खान को सत्ता से हटाने के लिए? यकीनन नहीं। मुहायदा यह हुआ है जो अब तक बताया जा रहा है कि आने वाले नवंबर महीने में जो एक्सटेंशन दिया जाना है उसमें फिलहाल किसी तरह की कोई रुकावट बनने की फौरी तौर पर प्राथमिक तौर पर विपक्षी पार्टी ने हामी भर दी है कि उनको एक्सटेंशन दे दिया जाएगा। और अगर एक्सटेंशन नहीं भी दिया जाएगा तो इमरान खान जो जनरल बाजवा है उसके किसी खासम खास को जनरल बनाया जाएगा, ना कि विपक्षी पार्टियां अपने किसी मनपसंद शख्स को जनरल बनाएंगी। हमने देखा कि हाल के दिनों में न सिर्फ इमरान खान ने कोशिश की कि जनरल बाजवा को एक्सटेंशन ना दिया जाए, बल्कि एक लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद मजहर जो कि इस वक्त कोर कमांडर हैं उनको आर्मी चीफ बनाने की घोषणा कर दी थी, बाकायदा उनका नाम चल रहा था। तो ऐसे में आर्मी चीफ उनको सत्ता से ना हटाते तो क्या करते, क्योंकि यही पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का इतिहास रहा है। आज हालत यह है कि चारों तरफ कर्ज में डूबा पाकिस्तान, इंस्टेबिलिटी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के चलते इस हालत में आ चुका है कि ना सिर्फ दुनिया कोई देश ऐसा नहीं है जो उसके साथ सही तरीके से संबंध रखना चाहता हो, बल्कि पिछले कुछ महीनों से यह देखने को मिल रहा है कि टूरन लाइन पर यानी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जो बॉर्डर है वहां पर तालिबान लगातार पाकिस्तान के सैनिकों पर हमले कर रहा है। उन्होंने लगातार इस तरह के बयान दिए हैं कि वो टूरन लाइन को नहीं मानता, वो सही लाइन नहीं है और पाकिस्तान के कब्जे में अफगानिस्तान का एक बड़ा हिस्सा है, वो उसे वापस लेकर रहेंगे। हालत ये है कि अब तालिबान भी पाकिस्तान को आंखें दिखाने लगा है। बहरहाल आगे आगे देखिए होता है क्या। नया खेल शुरू होगा रविवार 11:30 जब नेशनल असेंबली का सेशन शुरू होगा, उसमें पहले बहस होगी, वोटिंग होगी और वोटिंग में सत्ता से बेदखल कर दिया जाएगा इमरान खान को, पाकिस्तान में इतिहास फिर से दोहराया जाएगा, एक और प्रधानमंत्री अपने 5 साल पूरे किए बिना सत्ता से हटा दिया जाएगा। अब सवाल यह है कि सत्ता से तो हटा दिया जाएगा लेकिन क्या इमरान खान की जान बच पाएगी, क्योंकि इतिहास ये भी रहा है कि सत्ता से तो हटाया जाता है उसको जान से भी हाथ धोना पड़ता है। बहरहाल आगे आगे देखिए होता है क्या। नमस्कार।